हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो फिन निफ्टी के एनालिसिस, निफ्टी का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करने वाले हैं कल के लिए। आज अगर देखें तो काफ़ी अच्छा हमें फॉल देखने मिला है, तो कुछ ट्रेड्स हमने पी साइड के भी और सी साइड के भी कैप्चर किए हैं, जो मैंने अपने टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड किए थे, तो उसका भी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो चलिए पहले फिन निफ्टी से शुरू करते हैं। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज अगर देखेंगे तो ये जो सेलअप आया था, इसके बाद में एक पॉज कैंडल हमें यहाँ पे देखने मिली, और इसका जैसे ही ये वाला लेवल टूटा तो काफ़ी अच्छा फॉल हमें फिन निफ्टी में देखने मिला। अगर कल के लिए अगर देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे निकलता है तो और फॉल हमें कंटिन्यूशन में देखने मिल सकता है। तो कौन से लेवल होने वाले हैं इंपॉर्टेंट कल के लिए इंटरडे में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले समझते हैं यहाँ पे ओआई बिल्डअप कहाँ पे सबसे ज़्यादा, पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 20,200 का जो लेवल है, वहाँ पे ओआई बिल्डअप जो है कॉल साइड के लिए 46 करोड़ 20 लाख, ये जो है कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई है। और पुट राइटिंग अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग देखेंगे तो 28 करोड़ 13 लाख्स का 13 लाख्स का जो है यहाँ पे पुट राइटिंग है 19,700 की लेवल पे। और यहाँ पे भी अगर देखेंगे 19,900 के लेवल के ऊपर पुट राइटिंग 16 करोड़ 46 लाख से, और कॉल राइटिंग अगर देखेंगे यहाँ पे तो 20,000 पे थी, जो कि 24 करोड़ 90 लाख थी यहाँ पे। और पुट राइटिंग यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुट्स जो कॉल राइटर पुट राइटर जो थे, तो यहाँ पे उन्होंने पोजीशन स्क्वायर अप कर लिया, इसलिए पुट का अगर देखेंगे तो 7 करोड़ 5 लाख यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये डेली में जो है डेली कैंडल के हिसाब से यहाँ पे हमने कॉल राइटिंग पुट राइटिंग देखी है। अभी देखते हैं 15 मिनट्स में अगर देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे, ये जहाँ पे आज ओपनिंग हुआ यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ पे अगर देखोगे 20,200 के लेवल से यहाँ पे फॉल आया है, यहाँ पे जो कॉल राइटिंग थी सबसे ज़्यादा। फिर अगर यहाँ पे देखेंगे 11 बजे के आसपास जो है यहाँ पे फिर से कॉल राइटिंग बढ़ी है, जो कि 31 करोड़ 10 लाख के, और पुट राइटिंग 3 करोड़ 33 लाख से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आया है, इसलिए ये मार्केट नीचे आया है। अभी अगर देखेंगे तो पुट राइटिंग जो है यहाँ पे है 16 करोड़ 16.5 करोड़ की, लगभग 19,900 की लेवल पे। और सबसे ज़्यादा जो मैंने डेली में दिखाया था, वो अपने को कहाँ पे दिख रहा था, एक मिनट चेक कर लेते हैं यहाँ पे फिर से, 19,700 पे यहाँ पे दिख रहा था। और इंट्राडे में अगर देखेंगे तो सेम लेवल पे ही सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है, मतलब यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है एक बार के लिए। उसके अगर ऊपर देखेंगे तो 19,900 यहाँ पे भी एक मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ है, जो कि पुट राइटिंग है, लेकिन कॉल राइटर के कंपेरेटिवली जो है पुट राइटिंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट एक बार रुक सकता है। तो कल के लिए कौन से लेवल होने वाले हैं हमारे, तो एक बार मार्क कर लेते हैं ये लेवल्स अकॉर्डिंग टू वाई बिल्डअप। तो ये वाला जो 19,900 का जो लेवल है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये वाला, इसे मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे। तो अभी कल के लिए क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग भी है और पुट राइटिंग भी लगभग थोड़ा सा 2 करोड़ का जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कल अगर मार्केट इस लेवल के नीचे अगर निकलता है, जो ये वाला जो लेवल है 19,860, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, सबसे ज़्यादा जो है ना सबसे अच्छा जो सिनेरियो रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे निकलने की कोशिश करेगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। 19,860 का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे निकलेगा फ्लैट ओपन होने के बाद में, तो हम यहाँ पे एक फिर से एक पुट साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं, जो हमें लेके जाएगी 19,800 तक। इसे भी मार्क कर देता हूँ मैं, ये हमारा डाउन साइड का फर्स्ट वाला टारगेट रहेगा
इसे भी यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, प्राइस लेवल लगा देता हूँ। ये यहाँ से अगर नीचे निकलेगा तो 19,772 या 70 आप पकड़ के चलिए, ये हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट। और ये अगर देखेंगे तो 19,700 जो है ये हमारा होगा सेकंड टारगेट कल के लिए। और यहाँ पे अगर देखेंगे आप, एक गैप भी पेंडिंग है यहाँ पे, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, डेली में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है, तो ये गैप भी मार्केट फिल कर सकता है। ये जो 700 का मैंने मार्क किया, ये वाला जो गैप है, ये हमारा फाइनल फाइनल टारगेट होने वाला है कल के लिए। तो ये आप जो है फाइनल टारगेट पकड़ के चल सकते हो 700 का। और उसके भी अगर नीचे निकलता है मार्केट तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ तक आ सकता है 70 के लेवल पे 19,670, ये फाइनल टारगेट रहेगा फिर निफ्टी के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो रेजिस्टेंस कहाँ पे लगेगा मार्केट को, तो 20,000 जो है ये सबसे पहले रेजिस्टेंस लगेगा, जहाँ पे मार्केट रुक सकता है यहाँ पे, या यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से फिर से एक सेल ऑफ आ सकता है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे भी हम इसको मार्क कर देते हैं 20,000 के लिए जो लेवल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सिनेरियो क्या बन सकता है, देखो यहाँ पे इस तरीके से अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है इस तरीके से। तो इसको भी हम लाइव मार्केट में अपडेट देंगे क्या हो सकता है। और नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मार्केट के पास लेवल निकलता है तो ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो। और फाइनल टारगेट ये होगा, यहाँ पे मैं इसे प्लॉट कर देता हूँ, 20,100 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, और जो फाइनल टारगेट है 20,200 का। ऊपर की साइड के तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मार्केट सेलिंग प्रेशर में, लेकिन नीचे की साइड जो है डाउन साइड के टारगेट क्लियरली हमें पता है कि ये वाले टारगेट हम कल के सेशन में, एक्सपायरी के सेशन में हम दे सकते हैं। तो चलिए निफ्टी का एक बार कर लेते हैं एनालिसिस कल के लिए, निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो निफ्टी पहले हम डेली में देखते हैं, डेली में अगर देखेंगे मार्केट निफ्टी का अगर देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी के पास रेजिस्टेंस जो है 21,800 का, ये सबसे पहला वाला इमीडिएट रेजिस्टेंस है 800 का। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में, 800 का जो लेवल है यहाँ से अगर मार्केट निकलेगा, सॉरी मैं पहले ऊपर वाला रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ जो कि 22,000 जो राउंड लेवल है। सबसे ज़्यादा ओआई बिल्डअप यहाँ पे देखेंगे तो कॉल राइटिंग 1.26 करोड़ का है, और पुट राइटिंग तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस देखना है। और पुट राइटिंग अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा तो 21,500 का जो है यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट के पास, सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप अगर देखेंगे पुट राइटिंग का 81.75 लाख। और ये हो गया मार्केट का रेंज, तो अभी इंट्राडे में एक बार देख लेते हैं हम 15 मिनट्स में। तो यहाँ पे इंट्राडे में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे हुई है, आज निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा तगड़ा फॉल हमें दिया है। तो ये वाला जो मूवमेंट था ये वाला हमने कैप्चर किया था, ये वाला भी हमने कॉन्ट्रा ट्रेड था, सॉरी ये वाला हमने कैप्चर किया था, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था। तो बाइंग के लिए सबसे पहले जो लेवल निकलता है हमारे पास, जो कि ये रेजिस्टेंस है 21,700 का, तो यहाँ तक मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद बाउंस ले सकता है अगर ऊपर की साइड निकलता है तो ये वाला रहेगा हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस 21,700, 21,700 का ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ से ऊपर जाके मार्केट एक बार के लिए नीचे इस तरीके से फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर से एक डाउनफॉल आ सकता है कंटिन्यूशन में इस तरीके से, और ये प्राइस एक्शन के हिसाब से। और यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ये हमारा सेकंड टारगेट होने वाला है, जो कि 21,800 होने वाला है
ये 100 पॉइंट्स ऊपर। और थर्ड टारगेट, अगर फाइनल टारगेट हम बोलेंगे निकालेंगे तो फाइनल टारगेट हमारे पास ये होने वाला है 21,998 का, या 22,000 का ही। लेकिन ये भी ऊपर की साइड में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर काफ़ी दिख रहा है यहाँ पे। तो डाउन साइड के लिए अगर टारगेट निकालेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जैसे क्लोजिंग आज मिली है मार्केट की, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है फ्लैट या गैप डाउन होने की ज़्यादा मुझे लग रही है, क्योंकि मार्केट में बेरिशनेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। जो लग रहा था आज तो बुलिश होने वाला है मार्केट, लेकिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा सेंटिमेंट दिखाया है बेरिश साइड के लिए। तो नीचे की साइड अगर टारगेट निकालेंगे तो ये वाला जो है फ्लैट ओपन होके, ये वाला लेवल अगर मार्केट निकलता है जो 21,600 है, ये लो जो है आज का, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है फ्लैट, सबसे अच्छा सिनारियो यही रहेगा, मैंने पहले भी बोला है, फ्लैट ओपन हो या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो तो सेलिंग कंटिन्यूशन में हमें देखने मिल सकती है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर जाने जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आने की कोशिश करेगा और ये वाला जो लो ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे एक पुट साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है ये वाला रहेगा 21,500 का, ये मुझे लग रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन में आने वाला है, जहाँ तक मार्केट में दिख रहा है सेलिंग उस तरीके से। और उसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे तो 400 तक का भी हमें टारगेट देखने मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये होने वाले हैं डाउन साइड के लिए लेवल्स मार्केट के, और ऊपर साइड के अगर आपको अपने मार्क नहीं किए हैं तो इसे भी मार्क कर दीजिए। और जाने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो और चैनल पे नए हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, तो जैसे हम नए वीडियोस डालेंगे तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, इसका इंटरफेस है ये वाला, आप यहाँ पे देख सकते हो। हम कुछ इंडिकेटर्स, कुछ पेनी शेयर्स होते हैं उनका एनालिसिस वीडियोस, कुछ मल्टीबैगर शेयर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं, उन सब का एनालिसिस हम यहाँ पे डालते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे ये इंडिकेटर वाला जो स्कैल्पिंग के लिए है, ये मैंने कल ही वीडियो डाला है, ये भी आप देख सकते हो। और निफ्टी बैंक, निफ्टी फिर निफ्टी का एनालिसिस वीडियोस भी हम डेली यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ये गोल्डन बुल्स नाम से, इसे भी आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो QR कोड आपको दिख रहा है राइट हैंड कॉर्नर में, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके आप इस चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो फ्री अपडेट्स पाने के लिए। डेली हम यहाँ पे लाइव मार्केट में अपडेट देते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे आप तो। ये वाला मैंने 1:33 पे दिया था, 21,600 का सी मैंने दिया था, 130 से लेके 135 रुपये बाइंग दिया था मैंने, जिसने अगर देखोगे आप तो लगभग 39 पॉइंट्स जो है हमें गेन दिया है इन्होंने, इसने इस कॉल ने। तो आप एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है ये सब, जो लेवल्स हम लाइव मार्केट में देते हैं ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, तो आप इसे जुड़ के आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, लाइक और शेयर कमेंट जो है ये बहुत ही कम आ रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको कुछ पैसा वगैरह नहीं लगता है, बस आपको एक बटन दबाना है, क्योंकि ये जो मेहनत हम करते हैं तो इसका हमें बेनिफिट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, बस आपका एक लाइक और कमेंट चाहिए। तो इससे क्या है ना, यूट्यूब का जो अल्गो है उसमें उसको मदद होती है, तो चैनल भी ग्रो होने में मुझे मदद हो जाएगी। तो आप लाइक और कमेंट जो है इस वीडियो के नीचे कर दीजिएगा। और अब अगर आपको किसी शेयर का कुछ एनालिसिस वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी एनालिसिस वीडियो डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।